जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण प्रशांत द्विवेदी की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण प्रशांत द्विवेदी ने कहा कि सभी अधिकारी पूरी निष्ठा एवं लगन से कार्य करें। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रधानाचार्य BRD मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का इलाज प्राथमिकता के साथ किया जाए तथा अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए एवं अस्पताल में व्हीलचेयर स्ट्रेचर आवश्यकता अनुसार मरीजों को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप 100% वसूली सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस में आए सभी वादों का निस्तारण में तेजी लावें। प्रमुख सचिव ने चिकित्सकों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण, टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, वृक्षारोपण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, खाद बीज की उपलब्धता, मुख्यमंत्री आवास योजना, धान खरीद, LED लाइट स्थापना, पारदर्शी किसान योजना, ई टेंडरिंग, सौभाग्य योजना, पेंशन, यूनिफॉर्म, बैग, पुस्तक वितरण आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी KVJ पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी अनु सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। नोडल ऑफिसर प्रमुख सचिव चिकित्सा श्री प्रशांत त्रिवेदी जी, नमस्कार सर। शासन द्वारा निर्धारित बिंदुओं पे जो महत्वपूर्ण कार्य जो हो रहे हैं उसका एक ब्रीफ सर को बता देंगे, और अगर शासन से किसी प्रकार की कोई सहायता या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अपेक्षित है तो भी आप सर के संज्ञान में ले आइएगा। तो एंड लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन बेसिकली टू थिंग्स कि कहाँ पे डिफॉल्ट हो रहा है और किस सेक्टर में या किस आइटम में, एंड एक तो ये एंड द सेकंड वुड बी कि अगर गवर्नमेंट से कोई चीज सर मेजर जैसा कि CDO साहब ने कहा है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आप लोगों से बात हो जाए, और फोकस यही रहेगा कि किसी भी इशू को जब कलेक्टर साहब या CDO साहब डिस्कस करेंगे तो उसमें केवल यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ी सी संतोषजनक नहीं है, उसके बारे में चर्चा हो जाए, और अगर आप समझते हैं कि ये कुछ पॉलिसी के वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ और इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट से रिजॉल्व होना है वो आप बता सकते हैं। सर्वप्रथम हम संपूर्ण समाधान दिवस और लोकवाणी जनसेवा केंद्रों के माध्यम से दी जा रही सेवाओं के बारे में ये लोकवाणी जनसेवा केंद्र के इसमें सर खतौनी जाति निवास आय प्रमाण पत्र है, ये आपकी जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसका है। जी सर, 1500 CSEs हैं। जी, ये जो भारत सरकार के जो IT डिपार्टमेंट फिगर वाइज देखिए तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन दिख रही है सब जगह। 100-94 तो निकल जाता है सर इंस्टेंटली, बाकी चीज़ के लिए जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आई जैसे इसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, तक किसी किसी एजेंसी होता है रिजन बिग पॉइंट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं सर। पेंडेंसी तो नॉर्मल हो सकता है, ही वांट्स टू प्रूव हिज रिलेशनशिप विद द हेड ऑफ द फैमिली, तो और या जैसे शादी किया हुआ है तो ही नीड सम काइंड ऑफ अ मैरिज सर्टिफिकेट, वो आप लोग किस तरह से अपने सिस्टम में इसको इंकॉर्पोरेट कर रहे हो, उसकी मतलब कोई बात हुई है सिस्टम जैसे गोल्ड आपने प्रधानमंत्री जी का जो पत्र भेजा है वो तो नोकिया को भेज दिया, अब जो फैमिली का एक सदस्य आएगा बोलेगा मैं ये मुखिया के नंबर मिल जाता है सर तो ऑलरेडी हम उसके भी देख लेते हैं। राशन कार्ड जो नया वाला आपको क्या बढ़ गया? अभी नहीं बढ़ा तो सर, अभी आया भी नहीं सर। दिए तो साहब 7,80,000 जी सर राशन कार्ड जी सर, और ये जो है कितने उसमें जो अर्बन कितने हैं? अर्बन करें सर 1,06,000 हो गए। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट 1,00,000 सर, और बाकी आपके रूरल के हैं। तो रूरल वाले तो अभी अर्बन का आ गया आपके पास? अर्बन आ गया सर 95,000 अबाउट सर बढ़ गया सर, और 5-6,000 रह गए सर, तो 2-3 दिन बढ़ गए। रूरल वाला क्यों नहीं आ पा रहा? रूरल का सर कल आ गया है, कल आ गया जी, सारे आ गए सर। अच्छा, तो आप उसको बांट रहे हैं जी सर, कितने दिन में बढ़ जाएगा?
उसके सर अभी उसकी छटनी करेंगे सर, उसको छटाई करके फिर इसके बाद पोर्टेदार वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, एक महीना लगभग लग जाएगा सर। और उस राशन कार्ड में परिवार के सारे सदस्यों का सर, नाम सर लिखा हुआ है? जी सर, उनके नाम भी हैं सर, उनके आधार नंबर भी हैं सर। जी, वेरी गुड। और अगर मान लीजिए कोई शादी होके उसका सदस्य बन जाता है परिवार का, तो क्या आप उसको अपडेट करते हैं? जी सर, जी सर। क्या सिस्टम होता है अपडेट करने का? उसमें सर वो अपना एक डॉक्यूमेंट देते हैं सर, विशेष कर आधार कार्ड नंबर है, और एक एप्लीकेशन देते हैं सर, राशन कार्ड के नंबर देते हैं सर, कि हमारा इस परिवार में एक यूनिट का एंटर दिया जाए, तो उसको हम ऐड कर लेते हैं सर अपने कंप्यूटर से सर।